हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि सर, आपने जो है दो बार एडनॉक में इंटरव्यू दिया है, तो उस इंटरव्यू में आपको कौन से सवाल पूछे गए थे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो जो सारे क्वेश्चंस है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उसमें आपको डिटेल में जानकारी भी दी है, लेकिन फिर भी मैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू था एडनॉक का, तो वो जो मेरा इंटरव्यू था वो दो अरेबिक जो पर्सन थे वहाँ के उन्होंने लिया था। तो उस इंटरव्यू के लिए जैसे ही मैं अंदर गया तो वो जो है मेरा CV चेक कर रहे थे। अब वो जो CV है वो नॉर्मल CV जो हमारे पास होता है, जो हम बनाते हैं, वो CV नहीं होता है, बल्कि एडनॉक में इंटरव्यू जाने से पहले एक एडनॉक का फॉर्मेट होता है, CV फॉर्मेट होता है। तो हमारी जो सारी पर्सनल डिटेल्स हो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो और एक्सपीरियंस की सारी जो डिटेल्स है वो उस फॉर्मेट में हमें भरनी होती है, और उसके साथ में आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो उसके साथ में अटैच करने होते हैं। तो वो जो मेरी फाइल थी वो उनके पास थी। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वो जो है वो मेरी फाइल चेक कर रहे थे, फिर मुझे बैठने के लिए कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे सवाल पूछा कि आपको ऑयल एंड गैस में काम करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा कि सर, टोटल मैंने 3 साल जो है ऑयल एंड गैस में काम किया है और 2 साल जो है पावर प्लांट में भी काम किया है, और उसके अलावा 3 साल जो है मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है। तो उन्होंने मेरा सारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो सब चेक किया, और चेक करने के बाद वो पेंसिल से लिख रहे थे कि इसका टोटल जो है कितने साल का एक्सपीरियंस है, और फिर लास्ट में उन्होंने लिखा कि आपका जो है वो 3 साल का ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बोला कि अगर आपका 3 साल का ऑयल एंड गैस का काम करने का अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम आपका इंटरव्यू नहीं लेते और यहाँ से ही आपको जाने को बोलते। तो सबसे पहला जो उन्होंने सवाल मुझे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपके बारे में हमें जानकारी दो। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल मुझे पूछा था कि लोटो प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। तो इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि लोटो प्रोसेस के बारे में, मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रेडियोग्राफी के बारे में सवाल पूछा कि रेडियोग्राफी क्या होता है, उसके हजार्ड्स क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, और रेडियोग्राफी के लिए कितने डिस्टेंस पर जो है आपको बैरिगेशन करना होता है। तो ये जो सारे सवाल है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा हाइड्रो टेस्ट के बारे में, तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ऑयल एंड गैस में सबसे मेन जो हजार्ड है वो क्या होता है। तो मैंने कहा कि सर, ऑयल एंड गैस में जो है गैस लीक हो सकती है, तो गैस में से ऐसी कौन सी गैस जो है वो हजार्डस है जिसका ज्यादा ऑयल एंड गैस में खतरा होता है। तो मैंने कहा H2S गैस। तो H2S गैस के बारे में टोटल जानकारी के लिए फिर उन्होंने मुझे पूछा, तो H2S गैस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या है, H2S गैस के क्या हजार्स है, उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, वो अगर H2S गैस अगर प्लांट में अगर लीक हो जाती है तो उसके लिए आपको इमरजेंसी में क्या एक्शन लेनी है। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि H2S गैस जो मॉनिटर होता है वो कितने PPM पर अलार्म देना चालू करता है। तो मैंने कहा 10 PPM पर। फिर उन्होंने मुझे और एक सवाल उसी के बारे में पूछा कि H2S जो मॉनिटर होता है वो हम हमेशा राइट हैंड साइड पर अपने चेस्ट के ऊपर ही क्यों लगाते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों नहीं लगाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारा हार्ट होता है, और अक्सर जो है हम वाइब्रेशन वाली कोई भी जो चीज़ है जैसे कि मोबाइल हो, वो भी हम हमारे ऊपर वाले पॉकेट में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब किसी का कॉल आता है तो वो वाइब्रेट करता है और साथ में जो है वो साउंड भी करता है, तो उसकी वजह से जो है हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी की वजह से जो H2S मॉनिटर है वो अगर 10 PPM पर बजना चालू करेगा तो वो अलार्म भी देगा और वो वाइब्रेट भी होगा। तो इसके कारण जो है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर न रखकर उसको राइट हैंड साइड पे हमारे के ऊपर लगाते हैं। तो इस आंसर से शायद वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लास्ट सवाल पूछा, और सवाल पूछने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सवाल है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका जो है सोच समझकर आप आंसर दीजिए। तो उनका जो सवाल था वो कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने मेरे सामने जो है दो सिनारियो रखे थे। एक सिनारियो में बताया कि 10-15 जो है अनस्किल जो बंदे हैं वो वहां पर मैनुअल एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हाई रिस्क का क्रेन के साथ इरेक्शन चल रहा है, लेकिन वहां पर जो है स्किल वाले जो बंदे हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं, साथ में ही वहां पर लिफ्टिंग सुपरवाइजर है
है, उनका इंजीनियर है और वहां पर कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी है। तो अभी आप बताइए कि आप दोनों में से कौन सी एक्टिविटी को प्रायोरिटी देंगे। तो मेरा ये जवाब था कि सर अगर मैं सेफ्टी पर्सन हूँ तो मुझे दोनों जो एक्टिविटी है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो दोनों एक्टिविटी है ये एक दूसरे से काफी दूर डिस्टेंस पर जो है वो हो रही है और आपको जो है किसी एक एक्टिविटी को ही प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने उनका आंसर दिया कि सर जहां पर हाई रिस्क एक्टिविटी चालू है मैं उस एक्टिविटी को प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन उनका आंसर सुनकर मैं तो दंग ही रह गया। उनका ये कहना था कि आपको जहां पर हाई रिस्क एक्टिविटी चालू है वहां पर प्रायोरिटी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्किल वाले जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, साथ में वहां पर लिफ्टिंग सुपरवाइजर भी है जो कॉम्पिटेंट है, उसके अलावा वहां पर इंजीनियर भी है और कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदे काम कर रहे हैं मैनुअल एक्सकैवेशन का, वो अनस्किल बंदे हैं, उनको पता नहीं है कि एक्सकैवेशन कैसे किया जाता है और अगर अंदर में कोई भी अगर यूटिलिटीज अगर रहती है तो वो किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आपको जो है प्रायोरिटी वहां मैनुअल एक्सकैवेशन में देनी है, वहां पर हाई रिस्क में नहीं देनी है। और फिर उन्होंने बोला कि इसलिए हमने आपको ये पूछा था कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जो जवाब है आप सोच समझ कर दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हाई रिस्क एक्टिविटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर मैनुअल एक्सकैवेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप नीचे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि एडनॉक का जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें पूछे गए सवाल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि जो मेरा एडनॉक का सेकंड इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मुझे कौन से सवाल पूछे गए थे। तो सेम सेकंड इंटरव्यू में भी मेरा जो सीवी था, यानी कि एडनॉक के फॉर्मेट में जो मेरा सीवी था वो उनके पास था और साथ में उसके साथ मेरे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स थे और एक्सपीरियंस लेटर भी थे। तो इंटरव्यूअर जो है वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक ही कर रहा था, तो चेक करते वक्त ही उन्होंने मुझे पहला सवाल पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज यूजल आपको ज़्यादातर कंपनी में पहला यही सवाल पूछा जाता है कि आपके बारे में हमें जानकारी दो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड सवाल पूछा कि कन्फाइन स्पेस के बारे में आप क्या जानते हो। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा स्कैफोल्डिंग के बारे में और बोला कि स्कैफोल्डिंग के बारे में डिटेल हमें जानकारी चाहिए। और मुझे पता था कि ये जो सवाल है वो ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जब मैं प्रीवियस कंपनी में एडनॉक के साथ काम कर रहा था तो वहाँ पर स्कैफोल्डिंग के ऊपर से एक आदमी नीचे गिर गया था और वो इंज्योर हो गया था, और वो जो स्कैफोल्ड थी वो हैंगिंग स्कैफोल्ड थी। तो इसलिए ज़्यादातर हर एक जिनका भी इंटरव्यू वहाँ पर हो रहा था तो उनको स्कैफोल्डिंग के बारे में वो सवाल ज़रूर पूछते थे, तो वैसा ही मुझे भी पूछा। तो स्कैफोल्डिंग के बारे में टोटल मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाए हैं, तो उन सभी के बारे में आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा हॉटवर्क के बारे में, तो उसका भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल पूछा H2S गैस के बारे में कि इसके बारे में डिटेल में हमें जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट चेक ही कर रहे थे तो उनको पता चला कि मैंने ऑलरेडी एडनॉक में काम किया है, तो वो बोले कि आपने ऑलरेडी एडनॉक में काम किया है, तो मैंने बोला कि हाँ सर मैं लास्ट प्रोजेक्ट पर आपके साथ ही था, तो वो बोले कि उस प्रोजेक्ट पर जो है हमारे एडनॉक के स्टाफ भी वहां पर काम कर रहे थे, तो आपने कौन से हमारे एडनॉक के स्टाफ के साथ वहां पर काम किया है। तो मैंने उनको नाम बताया कि मनु जोसेफ सर जो थे वो वहां पर थे और सुजीत सर जो थे वो वहां पर थे, तो उन्होंने तुरंत जो है उन दोनों को वहां पर कॉल करके बुलाया और मेरे सामने उनको खड़ा किया और पूछा कि आप जो है इस बंदे को जानते हैं क्या। तो उन दोनों ने कहा कि जी हाँ सर इस बंदे को हम जानते हैं, ये हमारे साथ पिछले प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वो मेरा वहां पर एडवांटेज बन गया था। अब यहां तक तो ठीक था, मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन लास्ट में ऐसा उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि उसके बाद जो है हमारी वहां पर आर्गुमेंट होने लगी। आर्गुमेंट यानी कि मैं तो आर्गुमेंट वहां पर कर नहीं रहा था, लेकिन वो जो है मेरे आंसर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो वो क्वेश्चन ये था कि एडनॉक में अगर आपने काम किया है तो आप हमें बताइए कि वेल्डिंग मशीन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर वेल्डिंग मशीन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि आप श्योर हो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ सर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस आंसर से वो काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था। फिर वो बोले कि सच में आपने एडनॉक में काम किया है या फिर आप ऐसे ही घूम रहे थे।
आप बोल रहे हो कि वेल्डिंग मशीन के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए, आप कैसे कह सकते हो कि वेल्डिंग मशीन के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए? तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ज़्यादातर जो था लाइव प्लांट में काम कर रहा था, और लाइव प्लांट के अंदर अगर कोई भी वेल्डिंग मशीन अगर आती है तो वहाँ पर उसका हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो चेक करते थे। फिर वो बोले, ओ माय गॉड, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ग्रीन फील्ड में अगर वेल्डिंग मशीन का काम चलता है तो उसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो मैंने उनको बताया कि सर आपने ये मेंशन नहीं किया था कि ग्रीन फील्ड में वेल्डिंग मशीन का काम करना है या फिर प्लांट के अंदर काम करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो था एडनॉक में प्लांट के अंदर ही काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसके मुताबिक जो था वेल्डिंग मशीन के बारे में आपको बताया कि उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो बोले कि हाँ, प्लांट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर प्लांट के बाहर यानी कि ग्रीन फील्ड में अगर वेल्डिंग मशीन का अगर आपको काम करना है तो उसके लिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो भी चलेगा, और साथ में एडनॉक का इंस्पेक्शन स्टिकर भी जो है उसके साथ होना चाहिए। और वही मेरे इंटरव्यू का लास्ट सवाल था। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू से बाहर गया तो मुझे लगा कि भाई अभी मैनेजर के साथ मेरा तो आर्गुमेंट हो चुका है, अब मेरा जो है यहाँ पर सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि भाई अभी मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर मैं शाम को जब रूम पर गया, मेरा सामान पहले ही पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे तो पहले ही कंपनी ने बता दिया था कि भाई अगर आपका इंटरव्यू अगर फेल हो जाता है तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और फिर मैं रात में सो गया। तो दूसरे दिन जब सुबह 7 बजे मैं सोकर ही था तो एक स्टाफ आया और मेरा दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बोला कि आपको जो है ऑफिस में बुला रहे हैं। तो मुझे तो पता था, मैंने मेरा जो सामान था वो पैक कर लिया था वापस जाने के लिए। मुझे लगा कि वो बोल रहे होंगे कि आपका जो है इंटरव्यू सही से नहीं गया है, आप इंटरव्यू में फेल हो गए हो, तो अभी जो है आपको वापस जाना पड़ेगा, तो इसी के लिए वो बुला रहे होंगे। लेकिन जब मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि आपका जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है और अभी आपको आपका जो पीपीज है वो कलेक्ट करना है और ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो इस प्रकार जो था वो मेरा सेकंड इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ था और ये जो सारे सवाल थे ये मुझे पूछे गए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एडनॉक में मुझे कौन से सवाल पूछे गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।